हेलो गाइस, वेलकम टू हेलो पीजे। गाइस ये सैमसंग टैब T865 है गाइस, सैमसंग। इसका डिस्प्ले क्रैक है, देख सकते हैं, इसके अंदर दिखते हैं आप लोग को। तो ये डिस्प्ले अगर क्रैक हो गया तो पूरा ब्लैक हो जाता है, जस्ट वाइब्रेशन आता है। चलिए इसको डिस्प्ले चेंज करते हैं। अभी ऑलरेडी टूटा हुआ है तो मैं इसको थोड़ा रफली निकाल देता हूँ। डिस्प्ले को टूटा नहीं है तो हम लोग को ज़रा आराम से निकालना होता है। देख सकते हैं कैसे कार्ड की मदद से मैं, और कभी भी डीप नहीं लेके जाना है। डीप लेके जाने से अगर फर्स्ट टाइम खोल रहे हो तो कहीं पर स्टिप होता है तो स्टिप कट जाती है, तो हमको ज़्यादा डीप नहीं लेके जाना है। अंदर थोड़ा देखते देखते ही निकालना है, वरना कुछ स्टिप कट गई तो वो अलग से डालना पड़ेगा बाद में। बट गाइस ये डिस्प्ले थोड़ा महंगा है क्योंकि ये ऑमलेट डिस्प्ले है तो महंगा है इसका। ये 800 दिरहम के ऊपर है इसका डिस्प्ले प्राइस। अच्छा देख लेना है गाइस, देख सकते हैं ये इसका स्टिप है इधर, तो ये तरफ है, ये तरफ है, तो हमको इधर से नहीं, इधर से खोलना है इसको। उधर से भी खोल सकते हैं लेकिन उठाना नहीं सीधा सीधा। ये देख सकते हैं गाइस, ये डिस्प्ले ऐसा है, इसका कनेक्टर्स यहाँ पर है। तो मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस इसको यहाँ से ये डिस्कनेक्ट कर लेना है, और ये जो है गाइस ये जो स्ट्रिप है ये है पिन के लिए है, जो पिन से वर्क होता है ना तो उसका कनेक्शन होता है इसके अंदर। ऐसे निकाल लेना है गाइस।
देख सकते हैं ऐसा निकालना है। अभी मैं नया डिस्प्ले को चेक करता हूँ डालकर। क्या है इतना इसको रोल किया हुआ है पूरा, क्योंकि इतना महंगा है ना गाइस, तो इतना तो इसको प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये देख सकते हैं गाइस, ये भी ओरिजिनल डिस्प्ले है। वो फिर मैं दिखाया इसको, बड़ा मुश्किल नहीं है। ओके चेक करते हैं अभी। पहले हमको ये डाल लेना है। इसको ऐसा करके डाल लेंगे इस। ये गाइस मैंने डाल दिया है, अभी चेक करते हैं इसे ऑन करके। देख सकते हैं गाइस इसमें चार्ज नहीं है, थोड़ा चार्ज होने देते हैं इसको। ओके गाइस चार्ज अभी हो गया, ऑन भी हो गया है। चलिए ओके गाइस ये मैं चेक कर ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 सब वर्किंग है। अभी हमको डिस्प्ले फिक्स कर देना है। पहले बात हमको पूरा क्लीन कर लेना है, कहीं भी कुछ कचरा ना हो, देख लेना है पूरे कॉर्नर सब। ओके गाइस यहाँ जो है ये फिंगरप्रिंट का है, ये इसको निकाल देना है। अभी मैं इस पे ग्लू डालता हूँ। लो चाहिए इतनी है गैस, सिंपल बस। अभी इसको नॉर्मली फिक्स कर देते हैं।
हो गया गाइस। इसका डिस्प्ले डालना तो इजी है, बट अगर कुछ दूसरा प्रॉब्लम है बोर्ड में तो डिस्प्ले खोलने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डिस्प्ले खोलने के बाद ही ओपन होता है। ये सैमसंग टैब S6 है। ओके गाइस, सही है गाइस। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो गाइस। थैंक यू।